नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आरबीआई के सख्त एक्शन के बाद पेटीएम की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। हालांकि पेटीएम बंद नहीं होने वाला, कंपनी के शेयर लेकिन लगातार गिरते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक खबर अचानक से आई कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो पेटीएम का टेक ओवर करने वाली है। लेकिन पेटीएम वॉलेट को टेक ओवर करने के लिए हो रही बातचीत की इन तमाम खबरों को जियो ने सिरे से खारिज कर दिया। अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो पेटीएम वॉलेट का अधिग्रहण करने के लिए उसकी जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, उसके साथ कोई बातचीत नहीं कर रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने सोमवार देर रात एक नियामक फाइलिंग में कहा कि हम ये स्पष्ट करते हैं कि खबर केवल अटकलबाजी है और हम इस संबंध में कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज BSE की तरफ से उन रिपोर्टों पर कंपनी को टिप्पणी करने के लिए कहा गया था जिनमें यह बताया गया था कि NBFC वॉलेट बिजनेस हासिल करने के लिए 197 के साथ बातचीत कर रही है। RBI के पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहक खातों में किसी भी जमा या क्रेडिट को स्वीकार करने से प्रतिबंधित किए जाने के बाद से पेटीएम को अपने अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ रहा है। RBI की इस कार्रवाई से पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस पर लगातार संकट बढ़ता जा रहा है और उसके शेयर में 3 कारोबारी दिन से लोअर सर्किट लग रहा है। इन सबके बीच सोमवार को अचानक से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर उड़ान भरने लगे। जियो के शेयरों में अचानक से आई इस बम्पर तेजी के पीछे खबर वही थी जिसमें यह कहा गया था कि पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन जो है वो अपने वॉलेट कारोबार को बेचने के लिए मुकेश अंबानी से बातचीत कर रही है। मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा HDFC बैंक के साथ भी बातचीत चल रही है। लेकिन इस खबर के बाद में सोमवार को NSE पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर 15.21% उछल करके 292.40 रुपए पर बंद हुए, जबकि ट्रेडिंग के दौरान ये 295.70 रुपए के ऑल टाइम हाई पर भी पहुंच गए। दूसरी तरफ पेटीएम के शेयर में लगातार 3 सत्र में 42% से ज़्यादा की गिरावट आई। इससे उसकी मार्केट वैल्यू यानी निवेशकों को 20,471 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सेबी ने सोमवार को कंपनी की सर्किट लिमिट 20 से घटाकर 10% कर दी थी। पेटीएम के IPO की लिस्टिंग नवंबर 2021 को हुई थी और उस समय पेटीएम के शेयर का मूल्य 2,150 रुपये था। सोमवार को ये 438 रुपये पर बंद हुआ था और अभी तक 72% का नुकसान उसे झेलना पड़ा है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जियो की तरफ से पेटीएम को टेक ओवर करने की खबरों को खारिज किए जाने के बाद आपका इस पर क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।